सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बराड़ है और श्री गंगानगर का मैं निवासी हूँ। सर, ये अफ्रीकन बॉयर है जो साउथ अफ्रीका की ब्रीड है। हाँ जी। और महाराष्ट्र से हम इसको यहाँ लेके आए थे, मतलब 2018 में हमने इसको यहाँ पे फार्मर्स को इंट्रोड्यूस कराया था, खुद ने फार्म लगाया था। तो नॉर्थ इंडिया में हम पहले ही बंदे हैं इसको यहाँ लाने वाले। सर, थोड़ा इस ब्रीड की जो खासियत है वो एक बार बता दीजिए, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है इस ब्रीड की? मैं बड़े जो मेल हैं अपने ब्रीडर के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये फीमेल है बॉयर की, ये ब्राउन फेस है इसका, है ना, फेस जो मतलब हॉर्न है उसके पीछे की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रक्चर मतलब बहुत हैवी रहता है इसका, वो जैसे मेल है वो उसका ब्राउन फेस है। तो फेस तो आप टोटल देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट एंड ब्राउन रहती है ये पूरी। हॉर्न इसके पीछे की तरफ, सिंग जो है पीछे की तरफ जाते हैं और स्ट्रक्चर पूरा हैवी होता है। ये देखो, अभी ये 2 साल की फीमेल है, तो ये मतलब 85 के अराउंड इसका बॉडी वेट है, तो मतलब पूरा स्ट्रक्चर हैवी रहता है। तो इसकी जो पहचान है, जो हॉर्न है वो पीछे जाएंगे। हाँ, हॉर्न ये कलर जो है ना, वो कलर आप देखो, सभी जितने एनिमल है, 150 एनिमल है, सभी मतलब आपको फेस इनका ब्राउन और पूरी वाइट दिखेंगी, ये इसकी पहचान है। और इसके मतलब अपने लुई की बात करें तो ये थोड़ा बेड की तरह होता, मतलब मोटा होता थोड़ा सा। तो ये कितने महीने के होंगे सर? ये अभी 5 महीने के राउंड के ऐसी इसी। और ये बड़े वाले, ये 2 साल की फीमेल है और ये हमारा मेल अभी 14 महीने करीब हो रहा है, वो 2 साल का मेल हो गया, वो पीछे ब्रीडर में जो खड़ा है। तो ये ब्रीड है, ये ब्रीडर कहाँ की ब्रीड है सर? ये साउथ अफ्रीका की ब्रीड है जी, और वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है बहुत अच्छे लेवल पे। अभी तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड कर रही है, 7-8 कंट्री अच्छी है जो इस पर काम कर रही है। तो ऑल ओवर बात करें तो प्रॉफिट कितना हो जाता है सर? प्रॉफिट तो मेरा साल का जी, कंपनी का टर्नओवर जो रहता है वो 90 से 1 करोड़ के बीच में रहता है, 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक इतनी आमदनी ले लेते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, और फार्मर का भी हमें खूब सहयोग मिल रहा है। और एक्चुअल जो काम हम करने का हमारा पैटर्न है, वो भी हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। फार्मर को टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं, मार्केटिंग भी फार्मर के साथ मिलके कर रहे हैं। फार्मर को कोई दिक्कत है तो वो हमारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, हम भी उससे बाय बैक कर लेते हैं बच्चे वगैरह। तो सर, काम इतना अच्छा, आप इतनी अच्छी अर्निंग भी इससे ले रहे हैं, क्यों फार्म सर बंद हो जाते हैं फिर? एक्चुअल जो फार्म बंद होते हैं ना सर, वो एजुकेशन की वजह से कह सकते हैं, वो एजुकेट नहीं है लोग गॉड को लेके, उनकी कोई मतलब किसी प्रकार की स्टडी नहीं है गॉड पे, कोई उनका नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई उनका ब्रीड चूज करने का कुछ नहीं है। तो स्टॉल फीडिंग के अंदर अपने को देखना पड़ता है भी, आप छोटी ब्रीड पे काम नहीं कर सकते, आपके पास बड़ी टॉल ब्रीड होनी चाहिए जिसका वेट गेन ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा सक्सेस है। फिर उनका न्यूट्रिशन पे ऊपर वर्क नहीं है, जानवर को एनिमल को क्या डालना है। कई फार्मर तो ऐसा मैंने देखे, उनका 50 से 60 रुपये पर एनिमल का खर्चा है, इतना महंगा वो डाल रहे हैं। और कई फार्म मतलब उसकी वजह से भी फेल होते हैं, क्योंकि अगर आप बकरी को 15-20 हज़ार का साल में खिला रहे हो तो उसे प्रॉफिट कैसे लेंगे अपने? हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं, जो काफ़ी इशू हैं जो बंद होने के हैं, तो वो फार्मर के वजह से ही है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरुआत कैसे हुई बकरी पालन की? क्यों आपको लगा कि मेरे को बकरी पालन करना चाहिए, वो भी एक ऐसी ब्रीड जो लोगों को पता ही नहीं है जिसके बारे में? सर, एक्चुअल मेरी जो कंपनी है ग्रीन पॉकेट्स के नाम से, तो हमने 2016 में स्टेबल किया था और फार्मर के कंसल्टेंसी के रूम में था जी हमारा जो काम था, और हमारे पास डॉक्टर्स की टीम थी पूरी, मतलब 26 एम्प्लॉइज़ थे मेरे पास, जो मतलब उसमें 6 मेरे पास MSc थे, BSc 17 थे और 2 मेरे पास PhD होल्डर थे। तो फार्मर को हम गाइड कर रहे थे भी एग्रीकल्चर अपने कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अपने उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो फिर हमारे को फार्मर के मतलब व्यू आने लगे भी, ये एग्रीकल्चर काम तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने धीरे धीरे उसको सर्च करना स्टार्ट किया। अभी पहले हमने फिशरी का प्लान किया, तो हमारे पानी की शॉर्टेज है, पानी मतलब ज़्यादा अच्छा बेटर नहीं है राजस्थान के अंदर। फिर कॉडिसा मशरूम का हमने देखा, तो वो उसकी मार्केट कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हमारे को दिखी। हाँ जी। तो उसके बाद फिर हमने गॉट के अंदर प्लान किया, जैसे हमारे दोस्त संधू साहब जयपुर से है, तो वो काफ़ी टाइम पहले गॉट्स का उनका काम चल रहा था, तो वो चीज़ों पे वर्क करके फिर हमने ब्रीड चूज करना प्लान किया। तो ब्रीड हमने देखी, तो ये ब्रीड हमें सबसे बेटर लगी। तो इसका तो सर फार्म भी यहाँ पर इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, क्योंकि उनको बीटल या सिरोही या सोजत वगैरह के बारे में पता हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी, हमने इसको लोगों को मतलब काफ़ी बड़ी तादाद पे फार्म स्टेबल कर दिया जी। हमारे अदर भी मतलब 20-22 फार्म लगे हुए हैं हमारे एरिया के अंदर, 40-40 तादाद का गोट उनके पास है। तो अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है लोगों को, अभी काफ़ी लोगों को पता चल गया है,
और वो स्टार्ट कर रहे हैं मतलब फार्म लगाना। तो यहाँ पे सर इनका ये अभी क्या चल रहा है थोड़ा दिन? अभी सर इनको फोटो डाला गया है ग्रीन ये, और उसके ऊपर मक्का जो भी हमारा फीड वगैरह होता है वो डाल देते हैं। तो वो सुबह के टाइम ही इसका इसमें खाना मिक्स है और साथ में हाँ वो इसके कंसंट्रेट फीड हम अंदर डाल देते हैं इसके, और फीड मतलब ग्रीन फोटो डाल देते हैं। और ये टैगिंग सर जो लगाई हुई है आपने, हाँ जी, ये क्या है सर? ये हमारी कंपनी का नाम है GPF के नाम से, ग्रीन पॉकेट्स फीमेल के, एफ फीमेल का आता है, एम मेल का आता है। ये नंबर दिए टैगिंग 392 नंबर है ये 329। तो इससे क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हम इनका जी, मतलब किसको हमने वैक्सीनेशन कर दिया, किसको करना है और कौन से मेल के ये बच्चे हैं, तो पूरा एक डेटा हमारे को मेंटेन करना पड़ता है। ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं तो हमें पूरा रखना पड़ेगा इसका। ठीक है जी। और ये क्या है सर? ये जो है ये मिलर मिक्सर है सर, मतलब किसी क्योंकि स्टॉल फीडिंग के अंदर कोई भी जानवर जब मतलब अंदर रहता है तो बाहर तो अपनी मर्जी से सब चीज़ें खाते हैं वो, पर कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी आती है, डेफिशिएंसी आती है, तो ये रखा गया इनके लिए। वो सॉल्ट और ये मिनरल्स रखे गए हैं, तो जब भी इनका मन होता है तो उनको लगता है कि कुछ है प्रॉब्लम, तो ये अपने आप ही उनको खाना वो स्टार्ट कर देती है। और ये सर आपने यहाँ पे बाड़े बनाए हुए हैं, बाड़ा नंबर 1 कैबिन और 2 कैबिन और 3 और 4। हाँ ये सेक्शन दिए हमने 1, 2, 3, 4, ये हमारे टोटल फीमेल का है सेक्शन पूरा। यहाँ भी फीमेल्स रखी हुई हैं, जैसे 4 से 6 महीने, 8 महीने की एज में फीमेल उधर डाली हुई है, ये मतलब 2.5 से 5 महीने की एज में फीमेल डाली गई है, छोटे अभी बच्चे तैयार कर रहे हैं, इधर भी छोटे बच्चे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो सर कब से आप ये कर रहे हैं बकरी पालन? सर मैं 2018 से कर रहा हूँ इसको, और बोयर के अंदर हम 2018 में हमने स्टार्ट किया था और बीटल हमने 2020 में स्टार्ट किया था। टोटल कितने एनिमल हैं सर अभी? अभी मेरे पास 150+ जानवर है जी, 160 के आसपास है। मिक्स हैं सारे? हाँ ये सब बोयर के हैं और उधर बीटल के हैं, बीटल का भी लॉट हमारे निकले हुए हैं और वो उधर एक साइड में बीटल डाला हुआ है हमने। तो बीटल के अंदर हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन है ब्रीड इंप्रूवमेंट के ऊपर, ये मेल तैयार कर रहे हैं हम बीटल के सारे। हाँ जी। नेक्स्ट हमारा प्लान जो है सिमन का है, कलेक्ट करके इनसे फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो उस पर भी हमारा वर्क चल रहा है। ये बीटल के हैं सारे बच्चे जो। तो कोई शुरुआत करना चाहे बकरी पालन सर, किस तरह से शुरुआत कर सकता है? शुरुआत सर यही है भी आप 10+1 से 20+1 से मतलब आप परचेज करो जानवर, एनिमल बकरियां 20 लो, 10 लो, एक मेल अच्छा लो, तो ब्रीडिंग पे काम करो ज़्यादा बेटर है। मतलब अच्छी क्वालिटी के एनिमल परचेज करो आप, मतलब लोकल ब्रीड रखोगे तो उसमें वेट गेन भी नहीं होगा, मार्केट भी नहीं है उसका का। हाँ जी। ये बच्चे हैं सर ये क्या? हाँ ये अफ्रीकन बोयर के मेल जो तैयार कर रहे हैं हम ब्रीडिंग के लिए, तो ये मेल हैं जी सारे, मतलब 6 महीने 5 महीने के अराउंड सब मेल हैं ये अपने, तो ये अफ्रीकन बोयर है ये भी सारे। तो इसका सर स्पेशल कोई प्राइस मिलता है इसका? हाँ एक्चुअली ये अभी तक इंडिया में ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, ब्रीडिंग के ऊपर काम हो रहा है, तो इसका जो लाइव का वेट है वो 2,000 रुपये KG के हिसाब से हम इसको सेल करते हैं। पूरे इंडिया के अंदर मार्केट ये है इसका, मतलब कहीं 2,000 कहीं 2,500 रुपये इस हिसाब से ये सेल हो रही है इंडिया के अंदर। तो सर सेलिंग में इशू नहीं आता है? 2,000 रुपये बड़ा कॉस्टली है? नहीं ब्रीडिंग के लिए कोई इशू नहीं आता। आज आप बीटल की बात करो तो बीटल भी 1,000 रुपये 800 रुपये के आसपास बिक रही है जी, 1,000 रुपये KG के हिसाब से ब्रीडिंग के लिए बीटल भी आज सेल हो रही है। तो ब्रीडिंग के पर्पज़ से कुछ ऐसा नहीं है वो लोग बड़े, हाँ एक्चुअल हमारे पास तो वेटिंग में है जी, 2 से 3 महीने की वेटिंग चल रही है, फार्मर के पहले ही बुकिंग होती है हमारे पास जी, फिर हम दे पाते। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।